दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पेन कार्ड होता क्या है। दोस्तों ये पेन कार्ड है मेरे हाथ में, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमें आयकर विभाग की तरफ से मिला होता है, जिसमें कि हमारा नाम होता है, नीचे फादर नेम होता है और ऊपर नीचे उसके फिर डेट ऑफ बर्थ होती है और नीचे 10 डिजिट के परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। दोस्तों ये हमारा पेन कार्ड जो है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी काम करता है। दूसरा जो है ये हमारा इनकम टैक्स विभाग के अंदर रजिस्टर्ड होता है। तो आजकल तो पेन कार्ड बहुत ज़रूरी हो गया है, जब भी कभी हम बैंक में जाते हैं, कोई सेविंग अकाउंट खुलवाना होता है तो हमें पेन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर बिना इसके अकाउंट ही नहीं खोलते हैं। पेन कार्ड आधार कार्ड तो कंपलसरी हो गया है, क्योंकि जब तक हम इन डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं करते हैं हमारा अकाउंट्स को वो ओपन नहीं करते। आजकल KYC करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो जब भी कभी हम KYC करवाते हैं तो हमें आधार कार्ड और पेन कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। या फिर अब कभी हम बैंक से 50,000 रुपये से अधिक जमा करते हैं या निकलवाते हैं तो पेन कार्ड हमें दिखाना होता है। तो इस प्रकार ये पेन कार्ड जो है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये भारत में हर किसी बंदे का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पेन कार्ड किस प्रकार से बनता है और ये कैसे कैसे कितनी फीस लगती है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों पेन कार्ड अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। यदि आप पेन कार्ड को ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको को एक स्पीड पोस्ट करनी होगी, जिसमें आपको अपने KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और आपका कोई वोटर कार्ड और कोई भी आपका जैसे एड्रेस प्रूफ के रूप में या रेजिडेंस प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट होगा, स्पीड पोस्ट करना होता है। उसके बाद में फिर ये आपका बन के आता है। तो दोस्तों ऑफलाइन तरीका थोड़ा मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ना मैंने कभी किया ऑफलाइन, तो मैं तो जो रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही करें, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको जाना पड़ेगा इस जो आजकल ये सुविधा केंद्र बने हुए हैं हमारे यहाँ पर, तो कई सुविधा केंद्र हैं, जैसे कि अब कुछ लोग अलंकित के पास जाते हैं या फिर कार्वे कंसल्टेंट हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आप इनके पास जब भी कभी जाओगे तो आप इनके पास जाएंगे, अपने KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और अपने कोई भी एड्रेस प्रूफ के रूप में, तो आधार कार्ड तो मस्ट है, आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वहाँ पर लेके जाएंगे तो वो लोग आपसे सब डॉक्यूमेंट लेंगे और उसको जो है कि स्कैन करके उनकी मेल आईडी पर भेज देंगे और आपसे 110 रुपये फीस लेंगे। वैसे काफ़ी कंसल्टेंट भी होते हैं जो कहते हैं कि हम इसे अप्लाई करते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं, तो इसलिए कभी किसी की फालतू बातों में ना आए। मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक्चुअल फ़ीस 110 रुपये है। आप इसे किसी भी सुविधा केंद्र जो आपके नज़दीकी हो, या फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि पेन कार्ड जहाँ बनाए जाते हैं वह सुविधा केंद्र आपके नज़दीक कहाँ पर है। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे आपसे 110 रुपये लेंगे और आपके जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आपको देने हैं। आधार कार्ड आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आधार कार्ड के अब ये नहीं बनता। आपको वहाँ पर आधार कार्ड लेके जाना है, अपनी दो फोटोग्राफ्स लेके जानी है, और यदि आपका कोई रेजिडेंस प्रूफ के रूप में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लेके जा सकते हैं, तो और अपना एज प्रूफ के रूप में कोई मार्कशीट आपको लेके जानी है 10th क्लास की, उसके बाद आप जाइए वहाँ पर, वो आपसे लेंगे और आपका जो है कि 110 रुपये लेकर मुश्किल से 15 या 20 मिनट में अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ से आपको जो अप्लाई करने के बाद में वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देंगे, आप उस ट्रैकिंग नंबर को अपने कंप्यूटर पर NSDL की साइट पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं। ये जो साइट है इसके पीछे भी लिखी होती है, ये लिखा हुआ है tininfo@nsdl.co.in, यहाँ पर लिखी हुई है नीचे इसके, ठीक है। आप इस साइट पर जाकर या फिर आप गूगल में लिखिए पेन कार्ड स्टेटस ट्रैक, तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे जो है आपको इसका ट्रैकिंग नंबर डालना है, ट्रैकिंग नंबर डालते ही ये आपको पता चल जाएगा कि आपका पेन कार्ड अभी बना है या नहीं बना, या डिस्पैच होने वाला है, कब होगा, उस पर सारी डिटेल आ जाती है। दूसरा, जब भी कभी आपका पेन कार्ड ये डिस्पैच होता है तो आपके पास मोबाइल पर मैसेज भी आता है, तो जब भी कभी आपका ये डिस्पैच होगा तो पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा।
दूसरे दोस्तों, जब भी कभी आप पैन कार्ड अप्लाई करें तो आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि जो आपका एड्रेस है वो आपका एड्रेस एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे अपना घर चेंज कर लेते हैं लेकिन उनका आधार कार्ड पुराना ही होता है, तो ऐसे में वो अपना पुराना एड्रेस पे अप्लाई कर देते हैं तो पैन कार्ड कई बार वहाँ पहुँचता है और लेने से मना कर देते हैं और वो रिटर्न हो जाता है। तो फिर वो जब रिटर्न हो जाता है तो फिर वो स्पीड पोस्ट के ज़रिए 1 महीने के बाद वहाँ से आता है, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है लोगों को। तो इसलिए जब भी कभी आप पैन कार्ड अप्लाई करें तो अपना एक तो एड्रेस जो है करंट एड्रेस होना चाहिए, जो जहाँ पर कि आप इस टाइम अवेलेबल हो। तो इसलिए जब भी कभी आप अप्लाई करें अपना एड्रेस वहाँ पर बिल्कुल ठीक दें जहाँ पर आपका स्पीड पोस्ट या कोरियर आता हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पैन कार्ड अप्लाई करवाना बहुत ज़रूरी है और मैंने भी इसे अप्लाई करवा रखा अपने घर में, से लगभग सभी का है मेरे घर में, तो मैंने इसे ऑनलाइन जाकर सुविधा केंद्र से करवाया है। आप भी अपने किसी सुविधा केंद्र से जाके इसे अप्लाई करवा सकते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी आपको सुविधा केंद्र आपको नहीं मिल रहा या फिर आपसे कोई ज़्यादा फीस मांग रहा है तो आप बिल्कुल भी उसे मत दें, और अपने नज़दीकी सुविधा केंद्र को आप मेरे दिए हुए लिंक से ट्रैक कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के वीडियोस और मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, थोड़ा लाइक करके ज़रूर बताना।